प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कांग्रेस ने शिमला व धर्मशाला में गांधी हेल्पलाइन शुरू की है। इसके लिए 01772805522 और 01772650169 नंबर जारी किए गए हैं। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों को परामर्श देंगे। वहीं जरूरतमंद लोगों को अन्य सहायताएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में सुचारू रूप से इलाज नहीं हो पा रहा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज तड़प रहे हैं। इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की बनती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ही सरकार को चेताया था, लेकिन बीजेपी चुनावों में व्यस्त रही, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद के लिए दो टीमों का गठन किया है। शिमला में गांधी हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित परामर्श देना है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा गरीबों और जरूरतमंदों को दवाइयां दी जाएंगी और लोगों के घरों पर फूड पैकेट्स भी पहुंचाए जाएंगे। पूरे देश में हाहाकार मचा है और लगातार केसेस हैं, जो संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल रही और आप देख रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली, वहाँ जो मरीज है वो ऑक्सीजन ना होने के कारण मौत का ग्रास बन रहे हैं। ये बहुत चिंता का समय। हम इस विषय में कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन सीधे तौर पे जो केंद्र में सरकार बैठी है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कांग्रेस पार्टी के नेता जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि देश में एक बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, हमें समय रहते जो है उपाय करने होंगे। लेकिन उस समय उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और जो परिणाम वो आसान है। जो प्रथम लहर थी उस समय भी कांग्रेस पार्टी सक्रिय रही, सरकार चुनाव में ज्यादा व्यस्त रही, सरकार को कोरोना से लड़ने के बजाय विपक्षी दलों से लड़ना था और जो ये बद इंतजामी रही उससे मामले बहुत ज्यादा बढ़े। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया कि ऐसे समय हम अपनी राजनीतिक गतिविधियां बंद करेंगे और हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है, पूरा ध्यान जो है इस बीमारी में से लड़ने और लोगों का सहयोग करें। इसी संदर्भ में मैंने आज यहाँ बैठक की। हमने दो, हमारी जो टीमें हैं गठन किया। हमारी जो पहली टीम है जो विधिवत रूप से हमने आप लोगों के सम्मुख आज से अपना काम शुरू कर दिया, हेल्पलाइन शुरू कर दी। इस हेल्पलाइन को हम गांधी हेल्पलाइन का जो है नाम दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।